पुजारी आख रे कंगाल
प्रभुगंधा गुरु महाराज का स्मरण, चिंता नहीं सुचिंतन, चिंता गांधी की भी काली चिंता कर है, जेड़ा बने टूटना जेड़ा जगिया उसने करना है धन दौलत और बचाओ गली गली सारे बोलो बोलो नाम बोलो नाम बोलो नाम राम राम बोलो नाम बोलो नाम बोलो नाम राम राम जिन जिन ने ये मोती लूटे तो माला माल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए नाम की जाने प्रभु का नाम गुरु महाराज का स्मरण चिंता नहीं सुचिंतन चिंता गांधी की भी काली चिंता कर है जेड़ा बने टूटना जेड़ा अच असी सारे जी लोग बड़े दुखी हिस्से के नाल अपने बहुत ही मित्र छोटे भरा उन्होंने असी आए गया जी मेरा 50 साल तो 41 साल तो परिवार नाल मेरा प्यार है जवान दसिया रहे मान जो ने कि जिनी फोर्स दसी है इन्हों की बहुत बड़ी देन है इन्होंने बड़ी कार की डाइया बना बना के देशों में बाहर जाता है इन्होंने बहुत कारण है कि इन्होंने कोई भी पैटर्न देना कोई भी ज्ञान देना इन्होंने अगर दो दिन गाई नहीं दो दिन से सू गाई सुनाई की इन्होंने जी मिल रही सारी फोर्स दसी तो कौन कौन के लिए हमें मेरे जिंदा थोड़ा जी फिर बुढ़ा उन्होंने समाजिक प्यार भी बहुत है समाजिक लाभ भी बहुत है परमात्मा की अरदास करना कर्म योगी जिन्हें हमेशा सारी जिंदगी मेहनत ईमानदार नाल काम किया इस कर्म योगी ने करना भी अपने वालों अपने पिता जी वालों श्रद्धा सुमन भेंट करना और परमात्मा की अरदास करना जो पिछले परिवार है कभी फुलवाड़ी है वो दिन दुगनी रात की तरक्की करे ओम शांति मैं कहना अपने साथियों के नाम नहीं लै सकता मैं उन्होंने को क्षमा चाहवागा क्योंकि समय की घाट है तो उन परिवार वालों कुछ धर्म स्थान संस्थानों कुछ राशि कटी गई उन्होंने वास्ते मैं उन्होंने नाम बोलाँगा जो सच्चे दिन जी होंगे वो राशि थैंक श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला शिवपुरी बस्ती का Yeah.
झूठे बंदे को जाके पूछने हैं कहना है माड़ा कम ना करो अस कल एक दिन इतने आ बैठे जिस स्वागत है दुखी होके प्रभु जी अगे फरियाद करता है प्रभु मेरे कष्टों का निवारण कर दे मेरे कष्टों दूर कर दे फरियाद सुन लेंगे या प्रभु पाए को पकार इस वक्त ठीक हो जाता है बाल भी कहते रब कितने आ जी परमात्मा देखा कि नहीं मैं तो रब जानता ही नहीं तुम मेरे बजुर्ग बैठे हो अरुण पुरुष बरादरी सारे बजुर्ग पाकिस्तान बेटी होने लग पड़े हैं ये दसो असी रब तो दूर है या परमात्मा तो तेरा हो जाएगा कि तू परमात्मा का हो जाएगा फरियाद सुन ले बंदा ठीक हो गया कष्टा तो मुक्ति मिल गई कहता मैं तो रब नूं जानता ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन नूं एक शब्द कहा है अर्जुन कर्म कर पालती इच्छा मन दे विच कदी धारण ना करे जनकराज जी तुसी कर्म कीते फल बंदे इस तरह के नाल शमशान भूमि विच जाते हैं माड़ा कर्म ना करो कल असी भी इत्थे आना है संस्कार कहने जो दुनिया के नाल होगा देखा मेरी पुरान शास्त्र की कथा पढ़नी है सुननी है कहनी गल रही है अभी संत संगे जाते हैं महाई सानू की उपदेश देता है उसके उत्ते ध्यान भी रखते जे असी ध्यान करते हैं तो ज्ञान को प्राप्त नहीं करते पहली गल ज्ञान ज्ञान एक दिन ऐसा
चिंता नहीं सुचिंतन, चिंता ताकि की काली चिंता करना है, जेड़ा बनिया टुटना जेड़ा जगिया उसने करना है धन दौलत। मैं अज महिंदा जी एक गल याद आ सुन वाली गल, राजा मठुआ जा रहे हैं रस्ते में चौधरी मिले प्यास लगी, राजा मठुआ कहता है चौधरी में जल पिला दे, जल पिला देता। राजा अकबर कहता है चौधरी में राजा अकबर अगर तेन किसी चीज की जरूरत पवे ना तो तू मेरे घर आ जा, बदल ला गई कभी ना कभी तो जरूरत पै जाती, कखा की भी जरूरत पै जाती, घर में गरीबी आ गई। पत्नी ने कहा जा राजा ने बोल गल सुना यार, राजा को गया दरबान को गया अंदर जाके कह चौधरी आया, अंदर जाके गया राजा कहता है चौधरी को अंदर दे, चौधरी जिस वक्त अंदर जाता है राजा दोने हाथ ने मेहता जी फैला के की करता है, कहता हे अल्लाह दिया मैनू इनी दौलत दे मैं दुनिया को बढ़ता ही वापस आ गया। राजा आवाज दिता है चौधरी किधर आया है, कहता जरूर की नहीं, कहता क्यों, कहता तू मेरे तो भी खानी है जिस मालक ने को वाहेगुरु अकाल पुरख ने को परमात्मा ने को तू मंग रहे हैं असी भी उन्हें को मंगा गए जेड़ा कि सारी दुनिया को देख वाला है। बंदे को बंदा एक बार देगा ना कहानी खत्म, दूजी वाली मुंह खोले पास राजा जा रहा है, मंत्री नाम बैठा है, राजा मंत्री कहता भी किनिया पुस्तक खाने वास्ते है, कहता जी सात पुस्तक उन्हें चंद मारी, कहता पत्नी का कि ख्याल करना है दुर्गा थोड़ा हो अगे की देखते महापुरुष बैठे कुटिया के बाद। राजा कहता जा थोड़ा अनाज दिया, अनाज दे दिया महापुरुष की कहते हैं मैं पहला पत्नी को अंदरू पूछ लिया, पत्नी को जाके पूछिया, पत्नी कहती आज का दिता है कल का गुरु महाराज रखा है, जिन्हें जन्म दिता है उन्हें पालन पोषण है अपने आप करना है, ज्ञान प्रगट हो गया राज पाक छड़ के जंगलों के बीच चला गया और राम नाम का सिमर जिन जिन ने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुए अरे धन दौलत के बने पुजारी आखर वह कंकाल हुए चांदी सोने वालों सुन लो चांदी सोने वाल
निलो बात सुना वो खरी खरी ले लो रे कोई राम का प्यारा अरे शोर मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो गुरु खाते जी बैठे बोलो बोलो राम बोलो राम बोलो राम दुनिया को तू कब तक पगले अपना ही कहलावेगा अरे ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पर चिंतावेगा मैं दुनिया का मालिक लगती है दुनिया मेरा गुणगान करेगी आज महिंदा जी राम लाल जी का दुनिया गुणगान कर रही अरुण वंश ब्राजी है उन्होंने अपना नाम रुतवा जरा कहना के उच्चा किया जिसकी क्या क्या किसकी क्या दुनिया को कब तक पगले अपना ही कहलावेगा अरे ईश्वर को अज्ञान फिर शोक सभा का दर्जा तेरिया आज गटका महला तुम जानते हो श्री मदन लाल सुंदर परिवार मंदिर के एक प्रमुख सेवा का देखो प्रधान शब्द एक अलग है जेड़ा मंदिर के अंदर प्रांगण में आ गया चाहे छोटा है या बड़ा है वो गुरु महाराज का बच्चा है सेवक है इस सारा परिवार जेड़ा है शक्की पीठ देवी तला मंदिर के नाल मैं देखना अनाउंसमेंट करी दी है 15-15 झांकियां मंदिर वल पाती राम जन्म उत्सव कमेटी ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਬੇਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕੁਰਮਾਚਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੇਕਿਨ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਰਜਾ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦਾਨ ਕਰੀਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਵਾਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਸਮਤ ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਪਰ ਤੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੁਨੀਤਾ ਤੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਵੀ ਦੇ ਭਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਪੋਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਗਵਾਈ ਜੋਤੀ ਦਾਦੀ ਖਿੜਿਆ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਗਰ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੁਤਵਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਭਗਤ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਗਤ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੁਸ਼ੇਰ ਟਿੰਕੋ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੈ
यार दोस्त मित्र बहन भाई साहब सरबती जिन्ना अरुण बिरादरी अज साडे कोल पहुंची है मैं अपने वालों और शीतल जी देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी राजेश बेग जी उन्हों वालों और बाकी साडे चौहान साहब जी मंच का संचालन करेंगे जो जो शब्द जेड़े जेड़े सज्जन आए आ जिन्हों को श्रद्धांजलि दिलानी है क्योंकि मैंने इस बारे पता नहीं गा मैं चौहान साहब को कहांगा अगली कार्रवाई की जाए हुक्म होया बोलन बहुत कुछ है बोल ही दो घंटे बोल सकता वा पर दुख का काम मदन लाल जी जेड़ा समय के अनुसार किया जाए ना उनके वर्गा कोई प्रमाण दिता नहीं साढ़े चौहान साहब की अगली कार्रवाई आरंभ कर देंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सारे जी लोग बड़ी दुखी के अपने बहुत ही मित्र छोटे भरा खराब हो सकता उनका बेटा उनका परिवार धनराज ने एक पुत्र होता नहीं सपुत्र होता सपुत दिता सपुत्र होता ऐसा भी ना यह जैसे पुत्र जो ने हर घर के पैदा होने चाहिए ने जेडे अपन जिम्मेदारियां समझ सकन ये जरूर नहीं कि जो पांच हो या दस हो या भी हो एक भी होगी तो वो भी कुल उतार देना है सौ पुत्र जोड़ा है नंगे पालना है उदाहरण साढ़े इतिहास साढ़े सामने है राम गए रावण गए राम जानको वो परिवार कौ नानी थे कुछ नहीं सुने दो संसार रावण का सौ पुत्र होते बाद तो भी सब सौ पुत्र एक सौ एक सौ पुत्र तबादला बना दी इस नाम ने गांव दिया ना बात दी ऐना बड़ा परिवार भगवत आई रात मैं सभी ना जनक राज में या पूरे परिवार में जो अपना फल से वो बहुत ही तहत इंतकाल निभाया परमात्मा तेरी शक्ति प्रदान करे कोई अपनी भैनों अपने पूरे परिवार को रिश्तेदार उन्ना ही प्यार दवे जिन्ना राम लाल जी आप अपने हथियार अपने होंदया करते रहे मंत्री के बहुत ही महानुभाव आए ने शहर के लगभग संस्थावान तो बहुत सारे शोक प्रस्ताव आए ने मैं शोक प्रस्ताव जो ने सब तो पहले ताली की रखा न्यू जिला नगर वेलफेयर सोसाइटी जिन्होंने प्रधान ने मगिंदर सिंह जी पंकज सरबा जी एम एस आर्या जी जसवीर सिंह जी सतराम अरोड़ा जी बगीर सिंह जी अशोक अरोड़ा जी यशपाल जी संगत राजपाल जी जसव जी थापा जा शंभू मंदिर वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट बस्ती खुदा जीडी गुंडा ने भारत विकास परिषद पुत्र जीडी गुंडा जी बस्ती दानिशमंद का वेलफेयर सोसाइटी मदन लाल चंद्र जी विजय सावला बहन जी लाइन्स क्लब तो गणेश शर्मा जी उन्होंने पूरी टीम श्री गुरु रविदास सभा
मतलब खिल ने चौधरी परसराम जी सरपंच बाला जी अभीर चंद्र जी श्री गुरु रविदास सभा स्त्री सभा साढ़े सड़के को एमएलए सुशील रिंकू जी उन्होंने शोक प्रस्ताव आया है और उसके अलावा अरुणा अरुणागढ़ सभा पठानकोट को भी शोक प्रस्ताव आया है और नाम के बहुत सारे हैं और समय ने भी मर्यादा है कोई रामलाल जी का जन्म जो है जो जीवन है मैं समझता हूँ कि बहुत ही सार्थक जीवन से उन्होंने बचपन तो ही उन्होंने मेहनत की जो लगन लगी उन्होंने अपनी पूरी जान मार के अपने उस काम को ग्रहण किया और अब समाज के बीच उन्होंने उस काम की बदौलत ही मैं समझना बहुत सारा संपर्क उन्होंने होया स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के नाल उन्होंने बहुत ज़्यादा संबंध है कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री नहीं जिन्होंने उन्होंने नाल संपर्क ना हो गए तालमेल ना हो गए क्योंकि उन्होंने लाइन इदा नहीं थी और जीवन साफ सुथरा अज तक किसी के नाल उच्ची आवाज के नाल वैसे गल सामने नहीं आई कि जिते महसूस किया जाए कि रामलाल जी का इतने पुत्र की गल हुई है एक बहुत बड़ी उपलब्धि डॉक्टर संदीप गोयल जी भी आए हैं मैं उन्होंने भी इतने उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करना और कृष्ण लाल जी और मैं उन्होंने भी इतने उनसे धन्यवाद करना बलवीर चंद जी अमराल वो भी साढ़े बच्चे शोक सभा चाहे ने और इतनी बड़ी भीड़ जो है इन्हें जो दो एकत्रित हुए ने यह सिर्फ उन्होंने प्यार का ही दस्तर देने इस तो ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता रविदास मंदिर तो उन्होंने प्रधान श्री मंदिर चंद्र जी राजे हल्के तो कौंसलर भी ने मैं उन्होंने दर्शन करा जो दो शब्द रामलाल जी के प्रति है रामलाल जी की अंतम दास पत्र हुए रामनगर में जिन्हें गए मेरा 50 साल तो 40 साल तो परिवार नाम मेरा प्यार है विश्वास वाले दसिया रवि मान जो ने कि जिनी फोर्स दसी है इन्हें बहुत बड़ी देन है इन्होंने बड़ी कार की डाइया बना बना के देशा बाहर जाता है इन्होंने बहुत सारा है कि इन्हें कोई भी पैटर्न देना कोई भी जैन देना इन्होंने अगर दो दिन गाई नहीं दो दिन तो सू गाई सुनाई की इन्होंने नहीं मिल रही सारी स्पोर्ट दसते हैं तो उन्होंने उन्हें स्पोर्टर श्री जिंदर अरोड़ा जी फिर गुजरा उन्होंने समाजिक प्यार भी बहुत है समाजिक लाभ भी बहुत है हम एक नंबर के इंसान हैं मेहनती हैं और मेरा दिनेश अरोड़ा जी सारे ही गुण अपने दादा जी तो इन्होंने ले ऐसे इंसान जी जान भी बहुत घट रहती है पूरी नहीं हो सकती है मैं ही अरदास कराँगा कलू गुरु महाराज चरणों में जो पिछले यात्रा अपने चरणों में स्थान देना जो तुझे परिवार है सारे अधिकारी के उसका पान मान के अपना जीवन जो है बचीन करिए और मैं देख रहे बड़ी तरह जैसे सब मोबाइल नाम साढ़े श्री गोयल जी मित्र भावे जी और जिन्हें भी पसंद सज्जन राजनीति सब इतने आए हैं तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हाँ खासकर श्री पंडित जी का जिन्होंने बड़े विस्तार के नाल सानू सत्संग का समर्पण कराया है बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्री राम ओम शांति ओम शांति प्रताप आए ने मैं उन्होंने भी आभारी हाँ एक और एक जो है पंडित जी ने बहुत ही विस्तार के नाल दस्या है
कि नाश बार है, आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं। इस संसार में भगवान राम भी आए और वो भी अपना जीवन काल जो समाप्त होया थे वो नाम भी इस संसार छोड़ के जाना पड़ा। जो समय नजदीक आया तो वो योद्धा में राज करते चलता है तो माया ने आके उन्होंने याद कराने वाली गल की थी कि प्रभु तुम्हारा अपने गुरु के जाने का समय आ गया है तो तुम ये जो है संसार ये जंजाल इन जागो। कह लगे आया मन सब कुछ ध्यान है पर समय मैं अपने समय के नाल अपने लोग चले जाना। जब समय आया वो पूरे परिवार के नाल सरयू नदी के बीच शरीर का उत्ते स्थान को आए सर वो अपने रथाम चले गए। लेकिन अयोध्या आज भी उठे है हनुमान जी बड़े दुखी हुए कि प्रभु मैं कहते नहीं हनुमान जी ये नगरी हम पाती है ये त्यौहार तुम्हें करना है और आज भी अयोध्या के भगवान राम जी का जो राज्य थी उन्होंने हनुमान जी देख रहा देख रहे के भी चीज हो तब चल रहे हैं। तो जनक राज जी एक जीवन जरा है अपने पिता का जीवन जरा है जो परिवार है वह चलाने वास्ते जिम्मेदारी आई और उस जिम्मेदारी को बड़े प्राप्ति जी बूढ़ी राजे निभा अपने कि जो दिन आए सो दिन जाए करना सूर्य रह सकाई पर उस सच्चाई है कि जो इंसान दुनिया से आके अच्छे कर्म करता है समाज में कुछ दे के जाता है वो जान के बाद भी दुनिया से मिलता विराट मान जाता है। क्या मार सके की मौत से और नौ के लिए जो जीते जो इंसान दूसरों का भला करते हैं दूसरों के सहयोग करते हैं वो दुनिया को जान के बाद भी विराटमान कहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही बहुत जैसे साथी और समाज से बाकी पर्वत से साथी आए हैं। मैं देख रहा हूँ श्री रामगढ़ जी ने कहते हैं हर आदमी दुनिया के आके अपने जीवन को जी के चला जाता है पर जो इंसान दुनिया से आके ऐसा जीवन जीते हैं कि दूसरों की प्रेरणा हो दूसरों को शिक्षा दिता हो दसता हो जिंदगी ऐसा जीनी चाहिए है वो हमेशा दुनिया में याद किए जाते हैं। परफेक्शन रामलाल जी ने अपनी जिंदगी के कई स्पोर्ट्स का समय लगता हाँ और भी साथी मेरे जी मदन लाल जी बहुत सारे साथी आए हैं। अगर मैं कहां कि स्पोर्ट्स की धरती के विश्वकर्मा भगवान और श्री रामलाल जिन्होंने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को जमीन को
ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਉ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਉ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨਿਹਾਇਤ ਸਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਹਾਇਤ ਸਰੀਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਉ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਯੋਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਦੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਜੈ ਬਾਬਾ। ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਨ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕੱਟੜਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਬਸਤੀ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਨੂਪਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਚੌਵੀ ਨੰਬਰ 9, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਦਰ, ਤਹਿਸੀਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪੁਰਜਾ, ਅਮਰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਬਸਤੀ ਰਾਜਮੰਦਰ ਨੇਂਦਲਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਗੁੰਡਾਬੰਦੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ, ਕਸ਼ਪ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁਰਜਾ, ਲੀਲਾ ਮਹਿਲ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੰਗਲਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਸਤੀ ਗੁਲਾ ਵਾਜੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਦਰ ਬਸਤੀ ਰਾਜਪੰਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਗੂ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓ